हाल ही में यमन के हूती ने इसराइल के इलट पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया था और इस हमले से पहले भी हूती ने अरब सागर में एक मालवाहक जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। उस वक्त ये सवाल उठा था कि समुद्र में इतनी लंबी दूरी पर एक चलते फिरते टारगेट पर हूती कैसे हमला कर सकता है, लेकिन इसके बाद ईरानी सेना ने इस बात से पर्दा उठा दिया था कि उसने हूती को लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई कर दी हैं, जिनका इस्तेमाल लाल सागर में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। और अब इन्हीं लॉन्ग रेंज मिसाइलों के दम पर हूती अमेरिका को धमकाने में लगा हुआ है और हाल ही में हूती ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर पर एक बहुत बड़ा हमला किया था, जो इस बात का संकेत था कि अब हूती सिर्फ यमन के तट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर तक कहीं भी हमला कर सकता है। और हूती की इस नई ताकत से मिडिल ईस्ट में सुपर पावर के समीकरण भी बदल चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से सबसे बड़ी आफत अमेरिका पर आई है, क्योंकि हूती के इन लॉन्ग रेंज हथियारों से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को सबसे ज्यादा खतरा है। चूंकि अब हूती के पास 3000 किलोमीटर तक की दूरी पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें आ चुकी हैं और खुद हूती के मेजर जनरल अल वहाबी ने कहा था कि हूती तेजी से घातक सैन्य हथियारों का उत्पादन कर रहा है और हाल ही में नई फिलिस्तीन बैलिस्टिक मिसाइल इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अलवाहबी का कहना है कि हूती का लक्ष्य इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने का है, जिससे वो अमेरिका के भीतर हमला कर सके। हूती का कहना है कि अमेरिका किसी भुलावे में ना रहे, पेंटागन यमन की राजधानी सना से सिर्फ 13,000 किलोमीटर की दूरी पर है और अमेरिका को ये बखूबी पता होना चाहिए कि हूती का लक्ष्य क्या है। आपको बता दें कि हूती अब कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना चाहे जहां पर मौजूद हो, हूती की लंबी दूरी की मिसाइलों से वो अछूता नहीं रह सकता। हूती का कहना है कि अब वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कहीं भी हमला कर सकता है और हूती के इसी बयान से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हूती ने ब्रिटेन के एचएमएस डायमंड डिस्ट्रॉयर पर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इसके अलावा अरब सागर में उसने दो मालवाहक जहाजों पर भी हमले किए थे और इसी हमले के साथ हूती ने 24 घंटे के भीतर ही अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर पर लाल सागर में दूसरा बड़ा हमला किया था। और इन हमलों को लेकर हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा था कि अमेरिका से सीधा भिड़ना एक बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका हूती की इन धमकियों पर जवाबी हमला करेगा या फिर वो चुपचाप वेट एंड वॉच की हालत में बना रहेगा।